हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा अग्रवाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ येट अनदर एसएफएमएसए 500 सीरीज, दैट इज एसए 520, व्हिच डील्स विथ एनालिटिकल प्रोसीजर. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू द माइंड विथ एनालिटिकल प्रोसीजर इज कुछ तो रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस होगा, कुछ मतलब एनालाइज करना होगा, कुछ देखना होगा ये सही है या नहीं, या समझना होगा कि ऐसा होना चाहिए या नहीं. तो आप जब ये वेरीफाई करते हो तो इस असर्शन को जनरली बोलते हैं करेक्टनेस, कंप्लीटनेस. आप जब ये वेरीफाई करते हो जो होना चाहिए वो हो रहा है या जो हुआ हुआ है वो सही है या नहीं, उसको बोलते हैं कंप्लीटनेस. सो ऐसे 520 आयोन से कि इम्पॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है वैसा नहीं है, बट बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे है. एंड जनरली इट्स लाइक याद रहता है, ऐसा नहीं है कि याद नहीं रहता है, बिकॉज ऐसा इसमें टर्म्स जो यूज़ किए हुए हैं वो बहुत सिंपल है. सो इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट के हिसाब से ये ऐसे मत पढ़ो. दिस ऐसे इज टू बी स्टडीड बिकॉज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, गिव्स यू सम वेरी रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, हेल्प्स यू एंड वुड हेल्प यू फर्दर वेन यू गो ऑन ऑडिट्स, एंड टेल्स यू मोर अबाउट कि कैसे क्या चीज़ें एनालाइज होती है, क्या क्या एनालिसिस में भी आपको फैक्टर्स रखने पड़ते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिटिकल प्रोसीजर्स का डेफिनेशन क्या होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स का मीनिंग क्या होता है. तो आपको क्या एनालाइज करना है, अगर आप ऑडिट पर जा रहे हो तो आप क्या एनालाइज करोगे. मुझे क्या दिया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो मुझे एनालाइज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो सबसे पहला चीज़ है इवैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्योंकि मुझे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही एनालाइज करना है, तो मुझे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एनालाइज करना है. कैसे एनालाइज करोगे, तो ये ऐसे बोलता है हम ऐसे एनालाइज करेंगे कि हम रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, या हम एक अकाउंट का दूसरे अकाउंट से रिलेशनशिप एनालाइज करेंगे. एक अकाउंट का दूसरे अकाउंट से रिलेशनशिप एनालाइज करना मतलब सपोज मुझे निकालना है कि सेल्स कितना होना चाहिए, इस पर सेल्स कितना होना चाहिए. मेरे पास क्वांटिटी सोल्ड है, मेरे पास सेल रेट है, दो अकाउंट हो गए. या फिर मुझे पता करना है कि इस बार रेंट कितना होना चाहिए, मेरे पास रेंट के टर्म के अग्रीमेंट्स के हिसाब से रेंट के रेट्स है, मेरे पास ऑक्यूपेंसी रेट्स है इस बार के, रेंट निकल गया. सो बेसिकली एक अकाउंट को दूसरे अकाउंट से लिंक करके जब आप रिजल्ट निकालते हो तो उनको एनालिटिकल प्रोसीजर्स बोलते हैं. जीपी रेशियो एनालिटिकल प्रोसीजर, क्योंकि आप दो अकाउंट यूज कर रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स. तो जब भी आप कोई भी दो अकाउंट यूज कर रहे हो एंड यू आर डेवलपिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन देम इन एनी फॉर्म, यू कुड डू इट फ्रॉम करेंट ईयर प्रीवियस ईयर, कि मैंने जीपी रेशियो इस साल और प्रीवियस ईयर का कंपेयर किया, मैंने इंडस्ट्री का जीपी रेशियो क्लाइंट के जीपी रेशियो से कंपेयर किया, या फिर मैंने जैसे बोले रेंट रेट कैलकुलेट किया, मैंने मंथली सेल्स निकाले देखे, सेल्स में ड्रॉप का है वो एनालाइज किया. एनी फॉर्म ऑफ डेटा एनालिसिस यूजिंग टू ऑफ अकाउंट्स इज नोन एज एनालिटिकल प्रोसीजर्स. अब आप ये तो समझ गए एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब डेटा एनालिसिस, और यहाँ पे हमारा डेटा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और आप कैसे एनालाइज कर रहे हो, थ्रू एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप्स. तो ये तो चलो मीनिंग हो गया, पर मैम ये एनालाइज करने से पता क्या चलेगा, मैं रेंट निकाल के क्या ही कर लूँगी, मैं तो सिर्फ ये वेरीफाई कर पाऊँगी कि रेंट सही है या नहीं. आप बहुत कुछ वेरीफाई कर सकते हैं, रेंट सही है या नहीं, रेंट एज पर लॉ है या नहीं, रेंट कंप्लीट है या नहीं. अब देखो रेंट का साइकिल जनरली फॉर मैनी कंपनीज इज ऑन द 31st, लास्ट डे ऑफ द मंथ. जब 31st मार्च को हो रहा है तो हो सकता है उन्होंने रेंट रिकग्नाइज नहीं किया, क्योंकि 31st मार्च इज द ड्यू, 31st मार्च इज द मे बी द पेमेंट डेट. बट जो टेनेंट उनके यहाँ रह रहे हैं वो शायद 1st अप्रैल को दे रहा है, तो उन्होंने प्रोविजन बनाया है कि न्यूज का लास्ट ईयर जब ये हुआ था तो उन्होंने प्रोविजन बनाया है, इस ईयर प्रोविजन रिवर्स किया है कि नहीं किया है, या लास्ट ईयर अगर उन्होंने प्रोविजन नहीं बनाया था तो इस ईयर जब बुक्स में आया तो उसको प्रीपेड एक्सपेंस ट्रीट किया है या नहीं किया है. तो जस्ट विथ वन एंड टू फिगर्स ऑफ रेंट यू कैन एनालाइज सो मच. अगर मैं सेल्स देखना चाहूँ तो मैंने देखा कि यार 12 महीने में
3 महीने में तो सेल्स बहुत ड्रॉप है, बाकी 9 महीने में सेल्स है। मैं क्लाइंट को जाकर पूछूंगी क्या हो गया भैया, 3 महीने में सेल्स क्यों ड्रॉप हुई। अब उनके एक्चुअल रीजंस भी हो सकते हैं कि मैम एक्सपोर्ट ऑर्डर्स थे वो नहीं फुलफिल हो पाए, या फैक्ट्री वॉज नॉट ऑपरेटिंग फुल्ली, या हमारा कुछ पॉलिटिकल इश्यूज चल रहा था, बहुत कुछ हो सकता है। बट पॉसिबिलिटी कि कहीं कहीं उन्होंने सेल्स इन्फ्लेट किया है, इसलिए बाकी 9 महीने एवरेज से ज़्यादा लग रहे हैं, बाकी 3 महीने चेक टू एवरेज लग रहे हैं। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी एबल टू फाइंड ओनली व्हेन यू डू द ट्रेंड एनालिसिस। ये और आपको कैसे पता चलेगा अगर मैंने फेक सेल्स बुक करके रखा है? ऑब्वियसली देर आर डिफरेंट वेज कि आप फेक सेल्स टेस्ट कर सकते हो, बट वन ऑफ द गुड वेज ये भी है व्हेन क्लाइंट इज अनएबल टू आंसर, या फिर अगर क्लाइंट ने आंसर किया कि चलो मैम हमारी फैक्ट्री ऑपरेशनली फुल्ली वर्क नहीं कर रही थी, आपने बोला चलो ठीक है। बट जब आप जाते हो प्रोडक्शन देखते हो, तो आप देखते हो कि प्रोडक्शन भी उस साल उस महीने एकदम नॉर्मल हुआ है, जितना होना चाहिए था उतना ही हुआ है, तब आप पूछ सकते हो। व्हेन देन द क्लाइंट विल हैव नो रिस्पॉन्स, तो तब आपको समझ में आएगा हाँ शायद ये 3 महीने में तो इन्होंने एक्चुअल सेल्स रिकॉर्ड करके रखा है, बाकी सब महीनों में इन्होंने मे बी फेक बिल्स डाल के रखे हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ एनालिसिस दैट इट विल हेल्प यू नो ऑल द अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स। ये देखो, बट आपको ये समझना होगा जो एनालिटिकल प्रोसीजर्स होते हैं वो कोई गारंटी नहीं होते कि, जैसे मैंने बोला कुड बी 3 मंथ्स इन रियल उनके कोई दिक्कत हो, तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स बट आपको एक प्रूफ दे देता है ऐसा कुछ हो सकता है, दिस मंथ नीड्स अ चेक और दिस रेंट का एरिया नीड्स अ चेक। तो सिर्फ एनालिटिकल प्रोसीजर से तो अगर आप बोलोगे कि मैम कोई बहुत बड़ा एविडेंशियल प्रूफ मिलता है, नहीं, बट ये आपके लिए पाथवे बता देता है आपको कि दिस पर्टिकुलर मंथ नीड्स अ चेक और दिस पर्टिकुलर एरिया नीड्स अ चेक। ओके, सो ये आपका मीनिंग ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर एंड पर्पस आप बोल सकते हो, टू इंश्योर दैट ऑल द अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स और अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनीज आर डिटेक्टेड। अब मैम ये जनरली कैसे होता है एनालिटिकल प्रोसीजर्स के कुछ एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे मैंने बोला जी पी रेशियो आप कैलकुलेट कर लिया, तो आपने किया कि जी पी रेशियो या तो क्लाइंट का इस ईयर से प्रीवियस ईयर में कैलकुलेट कर लिया, आपने देखा अचानक से 20% ड्रॉप है। जीपी रेशियो में 20% ड्रॉप इज अ वेरी बिग ड्रॉप, तो 20% ड्रॉप व्हेन फैक्ट्री इज वर्किंग ऑल ओके, एवरीथिंग इज वर्किंग ऑल ओके, व्हाट हैपेंड, इतना कम कैसे हो गया जीपी रेशियो? तो आपने, अब देखो इसके 2 रीजन हो सकते हैं, कुड बी की कंपनी हैज मेड सर्टन बिग एक्सपेंडिचर दिस ईयर, मे बी उन्होंने R&D या इस पे किसी पे खर्चा किया है, कुड बी अ जेन्युइन पॉसिबल रीजन, कोड भी कि उन्होंने कोई फेक इनवॉइस इसमें भी डाल के रखा है, उन्होंने कोई बहुत बड़ा एक्सपेंस दिखा के रखा है, फॉर सपोज सीएसआर का ही खर्चा दिखा दिया जबकि कोई सीएसआर एक्टिविटी हुई नहीं और कुछ होना नहीं है, एंड उन्होंने सीएसआर में 20 लाख रुपए स्पेंड करने थे, उन्होंने कहा है हमने 1 करोड़ वॉलेंटरली स्पेंड किया, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। तो ये सब आप जैसे मैंने बोला एनालिटिकल प्रोसीजर्स में कुछ एग्जांपल्स आर, आप जीपी ऑफ द कंपनी टू प्रीवियस ईयर कर सकते हो, मतलब आप डेटा ऑफ कंपनी टू प्रीवियस ईयर कर सकते हो, डेटा ऑफ दैट क्लाइंट टू द इंडस्ट्री कर सकते हो कि इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट रेंजेस 20-40%, आपका अचानक से 10% क्यों आ रहा है, आपका 50% क्यों आ रहा है, ठीक है। फिर आप ये कर सकते हो कि उसको बजट से कंपेयर कर सकते हो, बजट से कंपेयर कर सकते हो कि कंपनी का फोकास्टेड रिजल्ट वाज अ 30% प्रॉफिट बट दे हैव गॉट 60% प्रॉफिट, तो इतना हाई कैसे आ गया, इतना तो कोई प्रोडक्टिव नहीं होता ना, बहुत सिंपल है, इतना तो आई कांट एक्सपेक्ट एनीवन टू बी प्रोडक्टिव। तो ये एक हो जाता है, आप ये कर सकते हो कि ऑडिटर फोकास्ट भी होता है, आपने अगर देखा होगा तो बैंक्स ये सब भी ना एक फोकास्टेड बैलेंस शीट मांगते हैं, जब आपको लोन ये सब देते हैं तो वो एक ऑडिटर बना के देता है आपको कि दिस इज़ योर फोकास्टेड बैलेंस शीट, तो आप उससे भी कंपेयर कर सकते हो कि हुआ है या नहीं, उसमें जो फोकास्ट है एंड जो मेरा रियलिटी है वो बहुत फार फ्रॉम फोकास्टेड है या
समवॉट नियर है। फिर यही है, मतलब आप ये सब फेज होते हैं कंपैरिजन के। अगर आपको कंपेयर करना है तो आप कौन कौन सा टाइप का कंपैरिजन कर सकते हो, किससे किससे कंपैरिजन कर सकते हो। ठीक है, टाइप समझ लिया, मीनिंग समझ लिया, अब ऑब्जेक्टिव क्या है। हर ऐसे में मैं सबसे पहले बोलती हूँ, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव समझो, बिकॉज इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ऐसे। अगर मुझे नहीं पता मुझे क्या करना है तो फिर मैं जो भी कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ, अगर मुझे नहीं पता है तो बस फिर वो सिर्फ हो रहा है, वो रीजनेबिलिटी नहीं होती है। जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, अगर आपको बोल दो कि सिर्फ पढ़ो बेटा, एग्जाम एग्जाम कुछ नहीं देना, सिर्फ पढ़ो, पढ़ो का क्या कंफ्यूजन, क्यों पढ़ूँ, पढ़ूँ क्योंकि तुम्हें सीए बनना है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अपीयर करना है, कुछ भी करना है, कुछ तो होगा। या फिर ये ऐसा, सपोज कोई बोलता है बुक पढ़ो, इससे क्या होगा, पर्सनैलिटी डेवलप होगी, उसके पीछे भी तो रीज़न है। अगर मैं आपको रैंडम में बोलूँ तुम पढ़ो कॉमर्स, स्टूडेंट बोलते तुम साइंस पढ़ो, पूछेगा क्यों, ये रीज़न नहीं है, बस पढ़ो ना। वो बच्चा कभी वो टैक्स नहीं समझेगा। अगर आप किसी को रीजनेबिलिटी नहीं बताओगे तो नो वन विल एवर अंडरस्टैंड। तो वही है ऑब्जेक्टिव हर ऐसे का, सबसे पहले सुनो समझो एंड देन स्टार्ट विद द ऐसे। ठीक है, तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स का दो ऑब्जेक्टिव है, टू हेल्प यू ऑब्टेन रिलायबल एंड रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस, मतलब ऑडिट एविडेंस थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर्स देना। जैसे मैंने बोला ना, अगर सपोज सेल्स ड्रॉप हुई है तो दैट इज योर ऑडिट एविडेंस, एविडेंशियल पाथवे है वो। स्ट्रॉन्ग ऑडिट एविडेंस है नहीं, बट अ गुड ऑडिट एविडेंस यस। स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत सपोर्टिंग्स नहीं है, बट अ गुड ऑडिट एविडेंस गिव्स यू अ वे हाउ टू मूव फर्दर इन द ऑडिट प्रोसीडिंग्स। तो सबसे पहले देना है आपको, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रिलायबल एंड रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है मेरा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स को मैं एंड ऑफ द ऑडिट परफॉर्म करूँ। टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर आता है एंड ऑफ द ऑडिट। मैम एंड ऑफ द ऑडिट में क्यों परफॉर्म करना है, जब आप एंड ऑफ द ऑडिट में परफॉर्म करोगे तब आप देखोगे, सपोज हमने सेल्स क्लोज कर लिया, सेल्स में सब सही है, ये है बिलिंग रेट, ये है रैंडम इनवॉइसेस भी चेक कर लिए, कट ऑफ भी चेक कर लिया, सब कर लिया। तो फिर आपने बोला चलो एक बार ट्रेंड एनालिसिस करके देखते हैं, रेशियो एनालिसिस करके देखते हैं। जब वो एंड ऑफ द ऑडिट में करोगे ना, तो मे बी ऐसा हो कि आपको एक दो इनवॉइसेस में लगा था वो गलत है, बट बिकॉज यू डिडंट हैव एनी अदर प्रूफ फॉर दैट, यू वर नॉट एबल टू प्रूफ, तो आपने बोला चलो ठीक है एक दो इनवॉइसेस है। बट वेन यू आर परफॉर्मिंग ऑल दिस एट द एंड ऑफ द ऑडिट, दीज सर्व एज अ वेरी गुड कोरैबोरेटिव एविडेंस। कोरैबोरेटिव मतलब आपके जो पिछले ऑडिट एविडेंस है ना उसके सपोर्टिंग। तो आपको लग रहा था वो सेल्स इन्वेस्ट गलत है, और यहाँ पे जब आप देखते हो कि इतना फ्लक्चुएशन है सेल में, तो यू गेट दैट बिलीव ऑलमोस्ट राइट। जब आप इतना फ्लक्चुएशन, इफ क्लाइंट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन, हो सकता है कि मैंने जून के महीने में सेल्स ऑर्डर 10,000 थे, जुलाई के महीने में 2,000, अगस्त के महीने में 5,000, फिर 8,000, बोला इतना फ्लक्चुएटिंग कैसे हो सकता है आपका सेल्स। सो व्हेन द क्लाइंट इज अनएबल टू आंसर दैट, तो आपको समझ में आता है हाँ सेल्स में कुछ गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। तो इसका पर्पस है टू डिज़ाइन एंड परफॉर्म एनालिटिकल प्रोसीजर्स एट द एंड ऑफ द ऑडिट, ताकि वो ऑडिटर को हेल्प करेगी कंक्लूजन ड्रॉ करने में दैट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द एंटिटी आर एज पर हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी ओनली। मतलब जो जैसा उन्होंने ऑडिट में समझा है कि सेल्स ऐसी ही होनी चाहिए, तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी वही डिपिक्ट कर रहा है, या रेंट इतना ही होना चाहिए तो क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी वही डिपिक्ट कर रहा है। तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स हेल्प इंश्योरिंग द ऑडिटर दैट द कंक्लूजन दैट दे आर ड्रॉइंग आर करेक्ट और नॉट। मैंने बोला नहीं, दिस सर्व्स एज अ वेरी बिग कोरैबोरेटिव एविडेंस। जैसे आप परफॉर्म करोगे, देखो आप ट्रेंड एनालिसिस स्टार्टिंग में परफॉर्म कर लोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, आपको तो पता ही यार चलो मैंने सेल्स उठाया, सेल्स उठाते सबसे पहले मंथली डेटा बाइफर्केट करके ट्रेंड एनालिसिस में आ गया, क्या करोगे, आपने बिल्स नहीं देखे, आपने कुछ नहीं देखा, आपने उस टाइप ऑफ सेल्स नहीं देखी उस महीने में, अदर पार्ट ऑफ द एंटिटी का मतलब प्रोडक्शन, ये सब सब फर्स्ट में तो आप नहीं कर सकते।
जब आप सेल्स के डेटा को समझोगे, सब देखोगे, उसके बाद आप ये ट्रेंड एनालिसिस परफॉर्म करोगे। तो इसीलिए एनालिटिकल प्रोसीजर्स हमेशा एट द एंड ऑफ द ऑर्डर परफॉर्म करने चाहिए। जब यू आर डन एंड डस्टेड विद ऑल द अदर प्रोसीजर्स, गॉट नोन, गॉट अवेयर टू दैट एरिया, तब आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, तब आप एनालिसिस परफॉर्म करोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली कनेक्ट करेगा कि हाँ ये ड्रॉप है, यहाँ तो मैंने ये भी देखा था, यहाँ तो मैंने ये भी देखा, तो आपको हर तरफ से वो कनेक्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो हमारे दो ऑब्जेक्टिव है, टू ऑब्टेन रिलायबल एंड रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस एंड टू हेल्प ड्रॉ ऑडिटर कंक्लूजंस। अब नेक्स्ट आता है पर्पस। पर्पस मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, ये दिस इज लाइक एन एलोंगेटेड पर्पस थिंग, बट जो वो पर्पस है, वो मेन पर्पस यही है कि इट हेल्प्स इन डिटेक्टिंग अनयूजुअल मिसस्टेटमेंट्स, अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंपनी। अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स या अनयूजुअल मिसस्टेटमेंट्स वही होते हैं, मतलब अचानक से सब नॉर्मल चलते चलते बहुत लो हो जाना, या अचानक से नॉर्मल चलते चलते बहुत हाई हो जाना, या कुछ जब कंपनी ने कोई बहुत बड़ा खर्चा या कोई बहुत बड़ा इनकम रॉन्गली रिकॉर्ड करके रखा है, तो आपको वो डिफरेंस समझ में आ जाता है। अच्छा, वुड एनालिटिकल प्रोसीजर्स वर्क कि अगर मेरा सेल्स वाज एट 100% एंड अचानक से 102% हो गया, तो क्या आप पूछोगे? नो, एनालिटिकल प्रोसीजर्स मतलब ट्रेंड 2-3% अपना फ्लक्चुएटिंग नहीं दिखाएंगे, बट 100% यस, 100% आपका हर में दिखेगा। अब सपोज अगर 100% से 120% हो जाता, तो दैट लाइन वुड बी क्लियरली विजिबल। 100 से 102 बहुत विजिबल नहीं होता है, एंड 102% इज जनरली 2%, ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट फॉर द एंटिटी, इट इज़ यूजली सेट टू बी अंडर फाइव, इफ अंडर 5% तो आपके मटेरियलिटी लेवल के अंडर है, तो वो आपको नहीं पूछने की ज़रूरत उतनी। सो इट हेल्प्स यू डिटेक्ट ऑल द अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स। क्या दूसरा कोई प्रोसीजर ये करने दे सकते हैं आपको? क्या दूसरा कोई प्रोसीजर से आप अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स पकड़ सकते हो? नहीं, आप ये देख सकते हो हाँ ये बिल इनवॉइस फेक हो सकती है या ऐसा, बट ट्रेंडी ट्रेंड जो चल रहा है उसके हिसाब से, या इंडस्ट्री जैसी चल रही है उसके हिसाब से, उसके लिए आपको एनालिटिकल प्रोसीजर्स ही परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो पर्पस क्या होता है? सबसे पहले अनयूजुअल डिटेक्शन ऑफ अनयूजुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स, फिर आपको हेल्प करता है वो नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑर्डर प्रोसीजर्स बताने में, बिकॉज एज आई सेड दैट इज अ दिस इज अ गुड ऑडिट एविडेंस सेटिंग अ पाथवे फॉर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। वो आपको बता देगा इस मंथ में कमी है, तो आपको इस मंथ को वापस सर्च करना है, इस मंथ को ऐसे देखना है, इस मंथ को ऐसे वापस इसमें ऑर्डर प्रोसीजर परफॉर्म करना है, इस मंथ में ये एनालिसिस और करनी है। तो दिस इज अ गुड पाथवे फॉर ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म, तो इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग नेचर टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। और किस में हेल्प करता है? करेक्टनेस, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, जो ये असर्शन वेरीफाई करता है वो है करेक्टनेस। करेक्टनेस मतलब जैसे मैंने आपको रेंट का एग्जांपल दिया था कि करेक्ट अमाउंट जा रहा है कि नहीं, प्रोविजन टैग हुआ है कि नहीं, या पिछले साल का प्रोविजन जो है वो इस साल रिवर्स हुआ है कि नहीं, प्रीपेड एक्सपेंसेस अगर है तो वो हुआ है कि नहीं। तो इट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई एंड मेक श्योर दैट द आइटम्स अपियरिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, अब और क्या है कि हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट का बिजनेस। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट का बिजनेस एंड अंडरस्टैंडिंग द क्लाइंट, ये आपने ऐसे 315 में पढ़ा था, जब आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पढ़ते हो, ये पढ़ते हो, तो आपका क्या होता है ट्रेंड एनालिसिस, जब आप इंडस्ट्री कंपैरिजन करते हो ना, तो आपको और बेहतर समझ में आता है क्लाइंट कि जब इंडस्ट्री में ऐसा चल रहा है तो मेरे क्लाइंट में ऐसा अलग क्यों चल रहा है। वो तो आपको एनालिटिकल प्रोसीजर से समझ में आएगा, जब आप जीपी रेशियो दोनों का कंपेयर कर रहे हो, तब आपको खुद समझ में आया कि इंडस्ट्री में यार ऐसा हो रहा है तो मेरे क्लाइंट में ऐसा क्यों हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा या तो क्लाइंट कोई दूसरा अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहा है, या क्लाइंट का कहाँ रॉन्ग जा रहा है या सही जा रहा है। तो इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड क्लाइंट्स का बिजनेस ऑल्सो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या आता है? टाइमिंग, कब परफॉर्म करना चाहिए एनालिटिकल प्रोसीजर। तीनों फेज में परफॉर्म करूँ, प्लानिंग फेज में परफॉर्म करो, टेस्टिंग फेज में भी परफॉर्म करो, कंप्लीशन फेज में भी परफॉर्म करो। पर मैम अभी तो आपने बोला कि एट द एंड ऑफ द ऑडिट में करना चाहिए, कि सिर्फ कंप्लीशन फेज में नहीं, फेज में करना चाहिए। कंप्लीशन
कंप्लीशन फेज में आपको मोस्टली सारे एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगाने चाहिए, बट प्लानिंग फेज में, जैसे मैंने बोला ना इंडस्ट्री कंपैरिजन, वो आप कर सकते हो प्लानिंग फेज में। टेस्टिंग फेज में जो जब आप ट्रेंड का कंप्लीशन चेक कर रहे हो वो आप कर सकते हो। जितने एनालिसिस है, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, ये सब आप कंप्लीशन फेज पे कर सकते हो। तो मेजर आपका जो एनालिसिस वाला पोर्शन आएगा ना वो कंप्लीशन फेज पे आएगा। टेस्टिंग फेज में क्या आएगा कि मैंने असर्शन वेरीफाई किया है कि करेक्ट अमाउंट जा रहा है कि नहीं, और प्लानिंग फेज में क्या आएगा कि मैं क्लाइंट को समझूंगी। जब मैं इंडस्ट्री कंपैरिजन कर रही हूँ तो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड दैट वेदर माई अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ द क्लाइंट इज रॉन्ग, और या फिर मुझे ये और देखना है, या फिर ये एरिया मैं मार्क करके रख दूंगी। हाँ, मुझे जब ये टेस्टिंग फेज में जाएगा तो मुझे इस पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। सो एनालिटिकल प्रोसीजर्स तीनों में परफॉर्म होता है, बट कंप्लीशन फेज में मेजर एनालिसिस होती है, बट टेस्टिंग फेज में उसका असर्शन वेरीफाई होता है, एंड प्लानिंग फेज में मैं देखती हूँ कि कौन कौन सा एरिया मुझे क्लाइंट का समझना है, उनसे पूछना है, एंड आई एम एबल टू अंडरस्टैंड माई क्लाइंट वेल। अब आते हैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स, मतलब सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप जब किसी भी कंपनी में लगा रहे हो, किसी भी क्लाइंट पे लगा रहे हो, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स को मोल्ड करते हैं। मतलब कि अगर ये सारे फैक्टर्स प्रेजेंट हुए या ये नॉन प्रेजेंट हो तो आपका एनालिटिकल प्रोसीजर्स अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता है। मैम मतलब तो फॉर सपोज इन्होंने पहले दिया अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा, मेरे पास सारा डेटा अवेलेबल है, मेरे पास जीपी भी अवेलेबल है, मेरे पास सेल्स भी अवेलेबल है, मेरे पास नेट सेल्स भी अवेलेबल है, मेरे पास इंडस्ट्री का जीपी भी अवेलेबल है, एंड मेरे पास फोकास्टेड जीपी भी अवेलेबल है। वुड माई एनालिसिस भी बेटर? ऑब्वियसली, वाई नॉट? आई हैव ऑल माई डेटा अवेलेबल, सो आई जस्ट नीड टू डू द एनालिसिस पोर्शन। फॉर सपोज मेरे पास सिर्फ जीपी सेल्स अवेलेबल है, मेरे पास इंडस्ट्री का जीपी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास फोकास्टेड जीपी अवेलेबल नहीं है, मेरे पास नेट सेल्स अवेलेबल नहीं है, और कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ जीपी और सेल्स अवेलेबल है। सो वुड आई बी एबल टू डू द सेम काइंड ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स एज आई डिड इन माई प्रीवियस एग्जाम्पल, जिसमें मैं फोकास्ट से भी कंपेयर करी थी, इंडस्ट्री से भी कंपेयर करी थी, क्या मैं अभी भी कर पाऊंगी? नहीं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा डायरेक्टली अफेक्ट्स दैट हाउ इज योर एनालिटिकल प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म्ड। अगर डेटा अवेलेबल है आपके पास सब है तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स बेटर परफॉर्म होते हैं, डेटा नहीं है तो एनालिटिकल प्रोसीजर्स कम परफॉर्म होते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू उनके रिजल्ट भी कम ही होते हैं। पहला हो गया अवेलेबिलिटी, नेक्स्ट हो गया डिसएग्रीगेशन, मतलब वो डेटा कितना टूट सकता है। सेल्स से मैंने ब्रेकअप लिया, नेट सेल्स का, सेल्स रिटर्न का, टाइप्स ऑफ सेल्स का, जीएसटी का, सब जितना ब्रेकअप हो सकता है, जितना टूट सकता है क्वांटिटी रेट का, तो मुझे रेट एनालिसिस भी मिल जाएगा। अगर मेरे पास क्वांटिटी रेट भी, तो मैं रेट एनालिसिस भी करूँगी, मेरा इंडस्ट्री का रेट क्या चल रहा है, यहाँ का रेट क्या है। ऐसा तो नहीं है कि इंडस्ट्री का रेट 240 चल रहा है ना, चांस ये सारे सेल्स 280 में दिखा रहे हैं, क्यों भैया 40 रुपये ज़्यादा दे के तुमसे क्यों खरीद रहे कस्टमर्स, तो हो सकता है वहाँ पर भी कुछ गलती हो, ठीक है। तो जितना डेटा ब्रेक हो सकता है उतना बेटर एनालिसिस आप कर सकते हो। अगर मैं आपको बोलूँगी ये बस सेल्स फिगर है, आगे मेरे पास इसका और कोई डेटा नहीं है, आप कितना एनालिसिस कर लोगे उससे? इवन यू हैव अ लिमिट, तो जितना टूटेगा ना डेटा उतना आपके पास बेटर एनालिसिस पावर होगा, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, प्रेडिक्टेबिलिटी, जितना प्रेडिक्टेबल होगा उतने बेटर एनालिटिकल प्रोसीजर्स होंगे। जितना अकाउंट बैलेंसेस प्रेडिक्टेबल होगा उतने बेटर एनालिटिकल प्रोसीजर्स होंगे। मतलब कि सपोज जैसे मैंने बोला रेंट का, रेंट इज अ प्रेडिक्टेबल आइटम, यू नो ऐसा ही होना चाहिए, आपके पास टेनेंट है, ऑक्यूपेंसी रेट है, तो इतना ही होना चाहिए, प्रेडिक्टेबल आइटम, एनालिटिकल प्रोसीजर्स वर्क। मैं बोलूँगी परचेज, नॉन प्रेडिक्टेबल आइटम, आपके पास क्वान्टिटी, आपके पास रेट है, कुड भी कि कंपनी को लास्ट डे पे और परचेजेस लग गए, अचानक से कोई इम्पोर्ट परचेजेस आ रहे हैं वो ऐड हो गए, तो परचेज इज नॉट अ प्रेडिक्टेबल आइटम, आप उसको कैलकुलेट नहीं करके रख सकते इतना ही परचेज होना चाहिए, नहीं भाई ज़्यादा कम कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ अब सपोज उनके 12 कस्टमर्स के साथ अग्रीमेंट है कि
कि वो अप टू 12,000 यूनिट्स उनसे खरीद सकते हैं। 12 वेंडर्स के साथ अग्रीमेंट है कि अप टू 12,000 यूनिट्स कंपनी खरीद सकती है। जहाँ अप टू आ जाएगा ना, हो सकता है आप ये इंश्योर कर सकते हो कि इसके अंडर होना चाहिए इसका परचेज, बट हो सकता है उस साल उन्होंने कोई लोकल परचेज की हो सकता है उन्होंने कोई नई पार्टी बनाई हो सकता है कि उनका परचेज रिटर्न आ गया। रेंट में तो ऐसा नहीं होगा, रेंट रिटर्न हो गया ये हो सकता है, टेनेंट खाली हो सकता है, इसका भी प्रूफ आपको दे देंगे। तो परचेज सेल्स ये सब प्रिडिक्टेबल आइटम्स में होते हैं, इतना होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, बट वो अप्रॉक्सीमेट फिगर होता है। रेंट प्रोविजंस ये सब डायरेक्ट आइटम्स होते हैं, आपको पता होगा। अगर सपोज किसी चीज़ का प्रोविजन है, आपको पता है यार मेरा फ्रेट का प्रोविजन इतना ही होगा, वो तो उतना ही होगा ना यार, बिल्स तो उतने ही आए अप्रैल में, मैं अचानक से बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अ फैक्टर कि जितना प्रेडिक्टेबल होगा उतने बेटर एनालिटिकल प्रोसीजर्स होंगे, ठीक है। अब क्या है सोर्स, अगर कुछ एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है तो वो मोर प्रेडिक्टेबल है, कोई इंटरनल सोर्स से आ रहा है तो वो लेस प्रेडिक्टेबल है। इंटरनल सोर्स आर कैन बी मैनिपुलेटेड, एक्सटर्नल सोर्सेज कैन नॉट बी जनरली मैनिपुलेटेड। एक्सटर्नल सोर्सेज एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर जनरली मोर ट्रस्टवर्दी, इसीलिए सोर्स पे भी डिपेंड करता है। अगर आपका एक्सटर्नल सोर्स से डेटा आ रहा है तो आपके एनालिटिकल प्रोसीजर्स की प्रेडिक्टेबिलिटी भी बेटर होगी, आपका एनालिटिकल प्रोसीजर्स का रिजल्ट भी बेटर होगा। इंटरनल सोर्स से आ रहा है कुड बी कि आप जिस पर एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहे हो वो डेटा ही गलत है। फिर है आपका इनहेरेंट रिस्क और व्हाट कैन गो रॉन्ग, मतलब कि आपका सब कुछ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट में डिपेंड करता है। जैसे मैंने बोला कि अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपका हो कि रिस्क ऑफ द कंपनी इज नॉट वेरी हाई, ठीक है यार ट्रेंड से पता चल रहा है सब हो रहा है, अगर ट्रेंड इज शोइंग की ठीक है या फिर ट्रेंड इज शोइंग डाउन है, तो फिर मैं ये भी एक प्रूफ लेके जा सकती हूँ, इस पर आई कैन इन्वेस्टिगेट फर्दर। अगर मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इस कंपनी में कम है तो अ लॉट ऑफ टाइम्स सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर इनफ। अगर आप बोलो रिस्क कम है, ट्रेंड इज शोइंग ऑल दिस ओके, रेशियोज आर शोइंग ऑल ओके, हमने सारा कंपैरिजन कर लिया सब सही आ रहा है, तो ठीक है और एविडेंशियल प्रूफ नहीं चाहिए। बट अगर आपको लग रहा है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इस कंपनी का बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो वुड एनालिटिकल प्रोसीजर्स ओनली बी इनफ? नो, यू हैव टू परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल्स, आपको दूसरे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स सिर्फ इनफ नहीं होंगे। क्योंकि मैंने बोला एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैन बी जस्ट अ गुड एविडेंशियल प्रूफ, आपको एक स्ट्रॉन्ग एविडेंशियल प्रूफ चाहिए ना टू इंश्योर दैट द कंपनी जिसका रॉमम इतना हाई है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इतना हाई है, उसका कंपनी में सब सही चल रहा है या नहीं। अब सपोज उन्होंने जैसे मैंने बोला, अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, रिस्क इस कंपनी का हाई है, कंपनी ए का रिस्क कंपनी बी का बी है कम है, तो कंपनी बी का रिस्क कम है, तो आपने देखा कि 3 महीने में ड्रॉप है, आपने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है, तो आपने चेक किया कि उन्होंने बोला एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं आए थे, आपने चेक किया ऑर्डर ये सब में नहीं आए थे, ठीक है। बट जिस कंपनी का रिस्क ऑलरेडी बहुत आई है, अगर वो बोले एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं आए तो क्या सिर्फ एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं आए थे चेक करना इज इनफ? नहीं, आप बाकी प्रोसीजर्स बाकी सब भी देखोगे कि उस मंथ में बाकी सब सही था या नहीं, और भी कुछ हो सकता है कि नहीं, प्रोडक्शन से आप लिंक करोगे सब करोगे, या फिर आप और प्रोसीजर्स परफॉर्म करोगे, सेल्स कोटेशंस दोगे, सेल्स उस महीने के इनवॉइसेस दोगे, सब करोगे। तो जहाँ पे मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इज हाई, तो ओनली एनालिटिकल प्रोसीजर्स डोंट वर्क, वहाँ पे मुझे अपना टेस्ट ऑफ डिटेल्स भी लगाना पड़ता है। एंड नेचर ऑफ असर्शन, जैसे मैंने बताया था, कुछ कुछ असर्शन एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्रिडिक्ट करता है, करेक्टनेस कम्प्लीटनेस वैल्यूएशन भी कहीं तक प्रोटेक्ट वो बता देगा आपको कि कितना वैल्यू होना चाहिए। जैसे मैंने बोले रेंट के केस में, या फिर आप कुछ भी केस ले लो यार, सपोज आप समझ लो कि इलेक्ट्रिसिटी यूनिट, एक फिक्स यूनिट कंजम्पशन होता है वहाँ पे, उससे ज़्यादा कम कुछ नहीं है, वो आपको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा, तो वो सब आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, दैट इज़ ओके, दैट इज़ नॉर्मल। तो वो सब असर्शन वो प्रेडिक्ट ही एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर देता है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कहाँ से प्रेडिक्ट करेगा, कहाँ से चेक करेगा एनालिटिकल प्रोसीजर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन कुछ भी हो रहा है या नहीं, ये कंपनी के पास ही राइट्स है, तो ये सब असर्शन वो नहीं टेस्ट करता है।
टेक्निक्स अवेलेबल एज सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। अब क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, स्टार्टिंग के वीडियो से अपने बात करें, ट्रेंड एनालिसिस। सबसे पहले है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, ट्रेंड एनालिसिस में कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, दिस ईयर टू प्रीवियस ईयर हो सकती है, दिस क्लाइंट डेटा टू इंडस्ट्री डेटा हो सकती है, क्लाइंट डेटा टू फोरकास्ट डेटा हो सकती है, कुछ भी। मतलब बेसिकली ये ग्राफ में ट्रेंड बनता है कि सपोज जैसे ऐसे 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 अचानक से आपको एक या फिर ऐसा लाइन, कोई भी आपको एंगल दिख रहा है या कोई भी ट्रेंड दिख रहा है, जैसे आपको इस पीपीटी में दिख रहा है जो सेल्स मंथली ट्रेंड है, तो आपने बना दिया कि इस मंथ का सपोज है जो इस ईयर का है वो मैं डार्क ब्लू में दूंगी, जो लास्ट ईयर का है वो मैं लाइट ब्लू में दूंगी। तो उससे मुझे समझ में आ गया ना हाउ इज द ट्रेंड गोइंग ऑन, कि लास्ट ईयर के कंपेरेबिलिटी में क्या ट्रेंड है मेरा इस बार का। लास्ट ईयर भी इस साल कम, अब सपोज लास्ट ईयर भी इस महीने कम था, तो आपको समझ में आएगा हाँ मे बी ये सीजनल इंडस्ट्री है, या मे बी ऐसा इस इंडस्ट्री में यहाँ इस महीने में थोड़ी दिक्कत है, इस महीने में ऑर्डर्स कम आते हैं। तो दैट इज़ एन वायबल ऑप्शन दैट जस्टिफाइज मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्स। बट अगर आपको लग रहा है नहीं यार लास्ट ईयर इसी मंथ में कंपनी ने 100 करोड़ की सेल्स कर रखी थी और इस बार वो दिखा रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ 2 करोड़, क्या हुआ 98 करोड़ इसका, तब आपको हो सकता है कि आपको समझ में आएगा कि शायद उनसे कोई सेल्स भी मिस हो गई है। क्योंकि देखो यार कंपनी एट कंपनीज लेवल दे डोंट डू ट्रेंड एनालिसिस एंड ये सब, ऑब्वियसली एट बीओडीज लेवल एंड ऑल दिस दे डू, बट इफ दे आर इंटेंटली डूइंग इट व्हाई वुड दे डिस्क्लोज इट टू यू। सो इट इज़ ऑलवेज द ऑडिटर्स जॉब कि वो सारे एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करें, ये सब फैक्टर्स एनालाइज करके रखें, ठीक है। तो ट्रेंड एनालिसिस आपको ये समझ में आया कि हाँ मे बी एनी सेल्स इज मिसिंग और दे हैव ओवर रिकॉर्डेड अंडर रिकॉर्डेड, कुछ भी हो सकता है। सो ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, जनरली कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ करेंट ईयर टू प्रीवियस ईयर और आर डेटा टू इंडस्ट्री डेटा। नेक्स्ट आता है आपका रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस क्या होता है, रेशियो एनालिसिस होता है लिंकिंग वन अकाउंट बैलेंस टू अनदर अकाउंट बैलेंस। जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, करेंट रेशियो, करेंट असेट्स टू करेंट लाइबिलिटीज। देखो अगर मैं सिर्फ करेंट असेट्स चेक करी हूँ करेंट लाइबिलिटीज, ऑब्वियसली वो मेरा जॉब है मैं चेक करूँगी, बट व्हेन आई लिंक आई ऑलवेज गेट टू नो समथिंग बेटर समथिंग मोर। तो बैलेंस शीट की अगर अकाउंट देखो या पी एल एन एल के अकाउंट देखो, अगर आप इंडिविजुअली कर रहे हो वो तो आपको करना ही, वो तो आप प्रोसीजर परफॉर्म ही कर रहे हो, बट जब आप लिंक कर रहे हो एक दूसरे को, जब आप एक अकाउंट बैलेंस को दूसरे अकाउंट बैलेंस से लिंक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका रीजनेबल टेस्ट। रीजनेबल टेस्ट मतलब क्या हो गया कि अभी तक जो हम ट्रेंड एनालिसिस बात कर रहे थे, रेशियो एनालिसिस बात कर रहे थे, ये फाइनेंशियल डेटा यूज़ कर रहे थे। रीजनेबल टेस्ट नॉन फाइनेंशियल डेटा यूज़ करता है। नॉन फाइनेंशियल डेटा मतलब कि जब मैं रेंट निकाल रही थी तो मैं ऑक्यूपेंसी रेट देख रही थी, वो फाइनेंशियल डेटा नहीं था। जब मैं ऑक्यूपेंसी रेट देखती तो वो फाइनेंशियल डेटा नहीं होता, वो मेरे बुक्स में कहीं नहीं आता। या फिर आप जब हॉस्पिटल में देख रहे हो, तो आप जब रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हो बेड का ऑक्यूपेंसी रेट से, तो वो फाइनेंशियल डेटा नहीं है। या फिर अगर मैं पावर एंड फ्यूल कैलकुलेट कर रही हूँ, मैं ट्रैवलिंग देख रही हूँ कि इतना किलोमीटर इन्होंने ट्रैवल किया एंड इतना इज़ माई कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, तो ट्रैवलिंग किलोमीटर इज फाइनेंशियल डेटा नहीं है। तो जब भी आप नॉन फाइनेंशियल डेटा के साथ लिंक कर रहे हो तो उसको बोलते हैं रीजनेबल टेस्ट। एंड लास्टली कम्स स्टेटिस्टिक मॉडलिंग, मतलब कोरिलेशन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस, ये सब से भी आपको ट्रेंड जैसा ही लाइन मिलता है, समझ में आता है दोनों में क्या रिलेशन है। तो आर इज इक्वल टू 1-1 परफेक्टली कोरिलेटेड, नेगेटिवली कोरिलेटेड, आपको समझ में आएगा कौन सा लेवल ऑफ रिलेशन है। सो दिस इज ऑल्सो टूल यूज बट नॉट अ वेरी इंफॉर्मेटिव आई वुड से एंड नॉट अ वेरी वाइडली यूज टूल ऑल्सो। तो बाकी तीनों टूल्स ज़्यादा यूज होते हैं, स्टैटिस्टिक मॉडलिंग उतनी यूज नहीं होती है, मे बी इन फ्यूचर इट कुड बी यूज इन बेटर वेज, बट बाकी तीनों अभी एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। फिर है
फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड तो मैम अभी तो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड पढ़ के आए, वो है कि आपका कौन कौन से फैक्टर्स है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स कैसा कैसा होगा। अभी जो आप पढ़ रहे हैं ये है बेसिकली स्टेप्स, ये है बेसिकली स्टेप्स। उसके ऊपर जो आपने पढ़ा वो है कॉम्पोनेंट्स, कि मतलब अगर अवेलेबिलिटी होगा तो मेरा एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसा होगा, अगर ये होगा तो मेरा एनालिटिकल प्रोसीजर होगा, मतलब डिपेंडेबिलिटी किस किस फैक्टर्स पे। ये जो है ये जब आप टेस्ट मतलब जब आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स का ऑडिट प्रोसीजर्स देख रहे हो तब क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने की। तो सबसे पहले अपने को सूटेबिलिटी देखना है, जब अपने ऊपर वाला फैक्टर्स देख लिए तो अपने को देखना होगा ये एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है कि नहीं, मतलब अवेलेबिलिटी डिसएग्रीगेशन सब है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने को सूटेबिलिटी ऑफ डेटा देखना है। नेक्स्ट अपने को देखना है कि रिलायबिलिटी, जिस जिस डेटा पे अपने बेस रख के एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं वो रिलायबल है या नहीं है, क्योंकि लास्ट में पता चला यार एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिया, डेटा जिस पर डिपेंड करते हैं वही अनरिलायबल है, तो क्या फ़ायदा। तो अपने को पहले सूटेबिलिटी चेक करना है एनालिटिकल। सपोज जैसे अपने पास वहाँ पे दो ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस भी लगा सकते हैं, रेशियो एनालिसिस भी लगा सकते हैं। तो अपने को पहले सूटेबिलिटी चेक करना है कि क्या वुड गिव मी बेटर रिजल्ट्स। मुझे लगा नहीं यहाँ पे ट्रेंड एनालिसिस वुड गिव बेटर रिजल्ट्स, सबसे पहले ट्रेंड एनालिसिस लगाएंगे, फिर अपने दिखाएंगे कि जिस डेटा पे अपने डिपेंड कर रहा है अगर वो फोरकास्टेड डेटा से सपोज कंपैरिजन हुआ तो मेरे को देखना होगा वो डेटा रिलायबल है या नहीं, वो डेटा ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, वो डेटा ऐसा तो नहीं है कि अब फार फ्रॉम रियलिटी है। अब उन्होंने देखा था लास्ट ईयर 100 रुपये है तो इस साल उन्होंने 200 कर दिया, भाई 100% का कंपनी 100% का ग्रोथ हाउ डू यू एक्सपेक्ट अ कंपनी टू डू, दैट इज़ सो सो अनरीजनेबल। तो आपको देखना होगा जो डेटा है वो रिलायबल है कि नहीं, जिस डेटा पे आप काम कर रहे हो वो सही है कि नहीं। फिर आपको निकालना होगा डिफरेंस, मतलब जो आपका एक्सपेक्टेशन था, मतलब जीपी रेशियो आपके हिसाब से 20% होना चाहिए था बट जीपी रेशियो एक्चुअली है 40%, तो जो डिफरेंस आ रहा है बिटवीन योर एक्सपेक्टेड एंड द रिक्वायर्ड अमाउंट, तो आपको उसको एनालाइज करना होगा, देखना होगा कि ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, कि या ये सॉल्वेबल है या नहीं, या दिस रिक्वायर्स माई अटर अटेंशन, या फिर ये बिलो मटेरियलिटी लेवल है या नहीं है। एंड लास्टली जो है एक्सेप्टेबल डिफरेंस, मतलब कि जो अगर मटेरियलिटी लेवल के बिलो है तो आपको कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है 2-4% का फ्लक्चुएशन तो होता है, बट अगर आपने देखा कि नहीं ये तो मटेरियलिटी लेवल से बहुत दूर है, इसमें तो इन्होंने 30% का वो लिया है या 40% का फ्लक्चुएशन लिया है, तो वो सब एनालाइज करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूटेबल देखेंगे कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर सूटेबल है। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि हमारा डेटा जो हम डिपेंड करें वो रिलायबल है या नहीं, फिर हम क्या देखेंगे कि कौन सा डिफरेंस एक्सेप्टेबल है, और फिर कौन सा डिफरेंस अनएक्सेप्टेबल है एंड रिक्वायर्स माय अटेंशन। अब मैम रिलायबिलिटी ऑफ डेटा कैसे चेक करेंगे, रिलायबिलिटी ऑफ डेटा चेक करने के लिए 4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले सोर्स मैटर्स अलॉट, इंडिपेंडेंट सोर्सेज से यस, डिपेंडेंट सोर्सेज इंटरनली डिपेंडेंट एंटिटी से नो, अगर उसी का आपके पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सोर्स दोनों है सो गो फॉर इंडिपेंडेंट सोर्स, जो इंडिपेंडेंट सोर्स से डेटा आ रहा है इट इज़ एनी विच वे कवर्ड मोर रिलायबल दैन एंटिटीज इंटरनल सोर्सेज, वाई बिकॉज एंटिटीज इंटरनल सोर्सेज डेटा कैन बी मैनिपुलेटिव, एक्सटर्नल भी मैनिपुलेट हो सकता है बट इट इज़ जनरली कंसिडर्ड मोर रिलायबल कि एक्सटर्नल उतना मैनिपुलेट नहीं करेंगे। तो मैं रिलायबिलिटी ऑफ डेटा कैसे चेक करूँगी 4 पॉइंट से, अगर उसका सोर्स क्या है इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, उसका नेचर एंड रेलिवेंस क्या है, मतलब कि वो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। अब सपोज़ मुझे रेंट देखना है या मुझे इलेक्ट्रिसिटी देखना है, और मैं इलेक्ट्रिसिटी देखते देखते मैं प्रोडक्शन नहीं देख रही, मैं देख रही हूँ कि कितना मे बी मेरा इनकम है फॉर द ईयर, ऑपरेटिंग इनकम कहाँ से मुझे पता चलेगा। तो मुझे देखना है कि नेचर एंड रेलिवेंस है या उस डेटा का नहीं है, कंपेरेबल है या नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि मतलब मैं कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन उठा के लिया जो कंपेरेबल ही नहीं है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स इज ऑल अबाउट कंपेरेबिलिटी, अगर वो इन्फॉर्मेशन ही कंपेरेबल नहीं है तो मैं उसका क्या करूँगी, फॉर सपोज R&D का खर्चा मैं उसे किससे कंपेयर करूँगी, वो तो कंपेरेबल नहीं है ना। ऐसा तो नहीं R&D का खर्चा इस ईयर दूसरा और लास्ट ईयर दूसरा, क्योंकि दे वर वर्किंग ऑन टू डिफरेंट असेट्स, तो वो कंपेरेबल कैसे हो सकता है।
तो कंपेरेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो एन फैक्टर, एंड लास्टली कंट्रोल्स ओवर प्रिपरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन. अगर आप इंटरनली सोर्स डेटा ले रहे हो एंड आपने देखा कि एंटिटी के कंट्रोल्स ओवर द प्रिपरेशन ऑफ इट आर वेरी गुड, एंटिटी टेक्स केयर ऑफ दैट पर्टिकुलर फैक्टर वेरी मच, एंड एंटिटी इज मेकिंग श्योर जो भी डेटा निकल रहा है वो एकदम सही निकल रहा है, तो फिर दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्टर. अगर आप देख रहे हो उस पर कंट्रोल बहुत टाइट है, जो भी डेटा है वो मैनिपुलेटेड नहीं है, तो फिर आप उस डेटा को ले सकते हो. तो मैंने रिलायबिलिटी ऑफ डेटा कैसे चेक करनी है, चार पॉइंट से चेक करनी है: सोर्स, नेचर एलिमेंट्स, कंपेरेबिलिटी एंड कंट्रोल ओवर द प्रिपरेशन. अब इन्होंने बोला सूटेबिलिटी ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर्स. देखो ये सब एक सेपरेट आइन है, बट वी हैव डन दिस ऑलरेडी, वी हैव कवर्ड दिस टिल नाउ. जैसे मैं बोल रही हूँ कहाँ पे एनालिटिकल प्रोसीजर्स मोर एप्लीकेबल होगा, जहाँ पे डेटा मोर प्रेडिक्टेबल होगा, तो वही उन्होंने लिखा है. सब्सटेंसिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर जनरली मोर एप्लीकेबल टू लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन. लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन क्यों? बिकॉज दे आर प्रेडिक्टेबल. ठीक है, हाँ एक एग्जाम्पल या एक अजम्पशन जो एनालिटिकल प्रोसीजर लेके चलता है वो है कि रिलेशनशिप आज एग्जिस्ट करता है एंड कंटिन्यू करता है. मतलब अब सपोज अगर मैं ऑक्यूपेंसी रेट और रेंट का रेट का वो लेके चल रही हूँ, तो मैं मानूंगी कि पूरा साल, मतलब अगर अग्रीमेंट का रेट एंड आज को ऑक्यूपेंसी लेके चल रही हूँ, तो मैं मानूंगी पूरा साल ऐसा चल रहा है. आई विल नॉट अज्यूम कि टेनेंट बीच में भाग गए. ठीक है, बिकॉज वो तो एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है ना, वो मैं आज कैसे अज्यूम कर लूँ. तो दैट इज़ अ फैक्टर कि एप्लीकेशन ये इसी बेस पे अजम्पशन पे बेस्ड होता है कि जो भी रिलेशनशिप है वो आज है और कंटिन्यू करेंगी. एंड लास्टली अनसोफेस्टिकेटेड, मतलब बहुत बार कि बहुत डिफरेंट वेज ऑफ प्रेडिक्शन भी होता है कि इतना होना चाहिए, नॉट ऑन द एनालिटिकल प्रोसीजर्स बट डिफरेंट वेज, अनसोफेस्टिकेटेड. मतलब कि हो सकता है यार कि मैं लास्ट ईयर आई वॉज अ ऑडिटर, आई हैव सीन ऑल द ट्रेंड्स ऑफ दिस कंपनी एंड ये ऐसे ही होना चाहिए बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद देम फ्रॉम प्रीवियस ईयर, आई नो ये ऐसे ही होना चाहिए. तो दैट इज़ नॉट यूजिंग एनी एनालिटिकल टूल, बट दैट इज़ यूजिंग योर प्रीवियस एक्सपीरियंस. तो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर. अब वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस एसे. तो पहला है कि आपका जो एक्सपेक्टेशन या जो आपने जो अमाउंट रिकॉर्ड किया आया है या आपने जो एक्सपेक्टेड अमाउंट लाया है फॉर कंपेरिजन विद रियलिटी, तो क्या वो सही है या नहीं है. देखो आई एम टेलिंग यू बिकॉज दिस इज इन द करिकुलम, बट ये चीज़ बार बार मत याद करूँ हर पॉइंट पे. दिस इज द ओनली थिंग कि प्रेडिक्टेबल डेटा होना चाहिए, डिसएग्रीगेटेड डेटा होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए. अरे ये सब होगा तभी तो आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करोगे. तो उन्होंने हर सेम चीज़ हर वे में लिख के आपको दे दी है, तो आप हर चीज़ में ये याद करो, अवेलेबल होना चाहिए डेटा, प्रेडिक्टेबल होना चाहिए डेटा एंड डिसएग्रीगेटेड होना चाहिए डेटा. ये आप तीन याद करो, ये हर आंसर में काम आएगा आपको. मोर ऑफ प्रेडिक्टेबल होना चाहिए डेटा एंड अवेलेबल होना चाहिए डेटा, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है, वो याद करके रखो. अब देखो मैं स्टार्टिंग से ये बोल रही हूँ अवेलेबल होना चाहिए, ओबियसली डेटा अवेलेबल नहीं होगा तो एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई का करोगे. डेटा प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, हाँ डेटा प्रेडिक्टेबल नहीं होगा तो कहाँ से मैं एनालिटिकल प्रोसीजर अप्लाई करूँगी. यही है आंसर. अमाउंट ऑफ डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू, दैट इज एक्सेप्टेबल. एक्सेप्टेबिलिटी विल टोटली मैटर ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड मटेरियलिटी. अगर उस कंपनी का रिस्क कम है, उसका आपका मटेरियलिटी लेवल ज़्यादा है, तो मतलब आप ज़्यादा अमाउंट ऑफ डिफरेंस टॉलरेट कर सकते हो. अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उस कंपनी का बहुत ज़्यादा है, मटेरियलिटी लेवल कम है, तो मतलब आप कम अमाउंट ऑफ डिफरेंस टॉलरेट कर सकते हो. अब जितना डिफरेंस निकला है उसका क्या किया जाए, उसका दो काम किया जाए. मैनेजमेंट के पास जाइए, मैनेजमेंट से पूछिए, जैसे मैंने बोला सेल्स का ट्रेंड लो जा रहा है अप जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट के पास जाएंगे, मैनेजमेंट से रीज़न पूछेंगे और मैनेजमेंट जो भी रीज़न कोट करेगा उसके अप्रोप्रिएट ऑडिट डिविडेंस ढूंढेंगे. तो अगर उन्होंने बोला एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं आया है, तो हम एक इंडस्ट्री चेक भी कर सकते हैं, एक एनालिसिस चेक भी कर सकते हैं, एक डेटा चेक भी कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि ऐसा हुआ है कि नहीं, आपने ऑर्डर दिया था कि नहीं, आपने कोई कन्फर्मेशन उनसे मंगा सकते हैं.
तो जो भी मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स आएगा उसके कॉन्करेंटली हम अप्रोप्रिएट एविडेंस देंगे, और अगर हमें उससे भी कुछ नहीं मिलता है, अगर मैनेजमेंट आंसर नहीं करता है, तो हम अदर ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। मतलब सेल्स कम हो रहे हैं, हमने पूछा मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट ने नॉर्मल है, होते रहता है, मतलब आपको उनकी बातों से समझ में आ रहा है, उनके पास कोई वैलिड आंसर नहीं है, उनके पास कोई भी वैलिड आंसर नहीं है। तो नहीं है तो क्या करें, आप अदर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें, एंड अगर आपको उससे भी कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फिर आप अपना ओपिनियन अकॉर्डिंगली दें। अगर आपको लग रहा है यहाँ गड़बड़ है एंड मैनेजमेंट का कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तो आप अपना ओपिनियन अकॉर्डिंगली उसमें दीजिए। ठीक है, तो इतना सारा जो हमने एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया है, इसका दो ही है कि आपको पहले मैनेजमेंट से पूछना है, ऑडिट एविडेंस लेना है, नहीं है तो आप अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, और नहीं तो फिर आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर ले। ठीक है, अब यह है कि सब आप तीनों कर लोगे तब एनालिटिकल प्रोसीजर, मतलब रिलेशनशिप कंसिडर करना, अदर प्रोसीजर्स लगाना, कंपेरिजन ऑफ एंटिटीज इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये जब आप तीनों करते हो तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स सम अप होते हैं। अब लास्टली है कंसिडरेशंस स्पेसिफिक टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में क्या अलग होता है, क्या अलग होता है PSUs में या कहीं पर? PSUs में ये अलग होता है कि बहुत सारे एक्सपेंसेस वो कैपिटलाइज नहीं करते, दैट इज़ वन थिंग, कि बहुत बार वो बहुत सारे एक्सपेंसेस कैपिटलाइज नहीं करते। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत चीज़ों में जो रिलेशनशिप आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देख रहे हो वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, और फिर हो सकता है कि उनका जो वे है वो आपके नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एक अदर एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से अलग हो। इसीलिए बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स बहुत बार PSUs पे नहीं चलते, मतलब सारे एनालिटिकल प्रोसीजर्स जो आप यहाँ लगा रहे हो आप बोलोगे मैं वहाँ पे भी लगाऊंगा, नहीं, देयर वे ऑफ रिकॉर्डिंग थिंग्स इज डिफरेंट, देयर वे ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स इज डिफरेंट। तो इसीलिए बोला गया है कि जब आप PSU में जा रहे हो तो वहाँ पे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ, ऐसा नहीं एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना बंद कर देना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर लगाओ। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है वेरिएशन इन कॉस्ट पर किलोमीटर ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन और नंबर ऑफ व्हीकल्स एक्वायर्ड कंपेयर्ड विद व्हीकल्स रिटायर्ड। तो ये आप नॉर्मल एंटिटी में भी करते हो या आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे कॉस्ट होते जो कैपिटलाइज नहीं होते, वहाँ पे कैपिटलाइज होते हैं, तो अचानक से वहाँ के बोलोगे यार ये तो वहाँ कैपिटलाइज होता है, मैंने कंपेयर किया है, ऐसा ऐसा PL नहीं होता और ऐसा तुम यहाँ करो, जो वहाँ की पॉलिसी है वो तो वही रहेगी ना। तो इसीलिए PSU के लिए स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि जो जो कंसिडरेशन आप नॉर्मल एंटिटीज में एक्सरसाइज कर रहे हो वो पॉसिबल है कि PSUs में एक्सरसाइज ना हो। ठीक है, सो थैंक यू, आई होप आई कुड मेक इट प्रैक्टिकल, आई होप आई कुड मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू। ऐसे 520 आ जाए शायद स्टार्टिंग में, इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट तो यार सभी ऐसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट ये ऐसे पर्टिकुलरली आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। एंड इफ आपने लेक्चर सुना है तो इसमें यही है ना कि वर्ड्स भी बहुत टफ नहीं है एंड बहुत लॉजिक के साथ वर्ड्स है, तो मतलब अगर मैं सोचूंगी कि हाँ ऐसा कैसा होना चाहिए, पहले डेटा अवेलेबल होना चाहिए, फिर प्रेडिक्टिव, वो सब लॉजिकल एकदम ऐसा ही होना चाहिए, तो वो सब आपके माइंड में खुद ब खुद आता है। तो आई डोंट थिंक एनालिटिकल प्रोसीजर्स याद करने के लिए आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे, फटाफट हो जाएगा, बस ध्यान से पढ़ना। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, यू कैन वॉच इट एट 1.5x। ओके, थैंक यू, आई होप आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड, एंड वील बी बैक विद गेट अनदर एसे फ्रॉम SA 500 सीरीज। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।